नमस्कार, स्वाद सेहत और बागवानी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर मसाला पनीर। बटर मसाला पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम नोट करते हैं। हमें चाहिए 2 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, हमें चाहिए पनीर 300 ग्राम, ग्रेट किया हुआ नारियल सूखा, काजू 10 से 15, जीरा पाउडर, जीरा हमें चाहिए, ये डेकोरेशन के लिए धनिया 1.5 चम्मच में धनिया पाउडर चाहिए, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, हल्दी हमें चाहिए 1 चम्मच, लहसुन अदरक चाहिए टुकड़ा, तड़का देने के लिए तेज पत्ता चाहिए, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और ये काली मिर्च और ये दालचीनी, इतना हमें तड़का देने के लिए। बटर चाहिए क्योंकि इसका नाम ही बटर पनीर है तो बटर से ही सब बनेगा, तो ये हमें बटर चाहिए। हमें गरम मसाला चाहिए और कसूरी मेथी। तो सबसे पहले हम भाजियों को काटेंगे, अदरक को टुकड़ों में करेंगे और मिक्सर जार में डालेंगे। हमने लहसुन ले लिया है, लहसुन मैंने 8-10 ले लिया है। उसके बाद हम ये काजू डालते हैं इसमें और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। दूध डाल के इसमें हम मिर्ची डालेंगे, हरी करेंगे, उसमें ये नारियल डाल देंगे जो हमने रेत के ग्रेट करके ले लिया है और इसको हल्का सा भूनेंगे। ध्यान रखें कि ये जलने ना पाए। नारियल को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसमें बटर डालेंगे। हम दूसरी कढ़ाई में बटर हमने डाल दिया, ये मैंने जीरा डाला, कांदा डाल देंगे, अगर आप बटर पूरा नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम कांदा हमारा शॉर्टेड हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर 2 काटा हुआ। ये देखिए टमाटर के ऊपर का स्किन निकलने लगा है, हमारा काम गल गया है, तो हम इसको बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। नारियल को मैंने रोस्ट कर लिया है, अब इस नारियल को और ये टमाटर और कांदे का जो ये बनाया है हमने, इसको साथ में पीस लेंगे। इधर मैंने काजू, लहसुन, मिर्चा, अदरक का पेस्ट बना के लिया है। सबसे पहले हम 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और पेस्ट अनुसार लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे। अब उसमें हम बटर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ऑयल डालना है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं ऐसे। जीरा डाल देंगे थोड़ा सा और इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको बताया था। इसको मैंने कूट के लिया है, इसको तोड़ा है, उसके बाद इसमें डाल दिया मेरा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कांदा। अब आप देख सकते हैं मैंने मसालों को थोड़ा सा, ये जो बड़ी इलायची है सब है थोड़ा सा तोड़ा था, अगर हम कूटते नहीं इसका फ्लेवर नहीं आता, इसलिए हमने इसको हल्का से कूट के फिर इसमें डाला। मुझे पसंद है तो आप शिमला मिर्च क्यूब में कटा हुआ डाल सकते हैं। अब क्रंची हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो धनिया, लहसुन, मिर्चा का बाकी मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया, जिसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल अब अलग हो रहा है। इसमें हम कांदा और टमाटर का जो प्यूरी बनाया था वो डाल देंगे और मसाला पकने तक पकाएंगे।
इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे रखेंगे, उसके बाद हम स्लो आंच पे रखेंगे। तो अभी हम ढक के रखते हैं 2 मिनट के लिए। बीच में हम एक बार अपना मसाला चेक कर लेंगे कि कहीं नीचे तली में जल तो नहीं रहा है। इसको हम ऐसे चला देंगे। एक मिनट के लिए हम और इसको ढक के रखेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच थोड़ा मेरा ये मसाला कढ़ाई छोड़ रहा है, तो अभी हम इसको स्लो आंच पे करके रख देंगे। फिर बीच में हम चेक करते हैं अपनी भाजी को। हमने अपने फ्लेम को कम कर दिया है। अभी हमारी भाजी पकी नहीं है, हम इसको और पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देगा। मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब कुछ लोग पनीर में थोड़ा सा मिर्चा गरम मसाला डाल के फ्राई कर लेते हैं। अगर आप वैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। मैं बिना फ्राई किए हुए इसमें डालूंगी। एक बार हम और अपनी भाजी को देखते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई से तेल अलग हो गया है। देखिए अब हम 1 मिनट और पका के इसमें पानी डाल देंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स करते हैं मसाले को। इसमें हम अब पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के अब मुझे इसे मिक्स करना है। ये 4 से 6 लोगों के लिए आराम से होगा। मैंने इतना बनाया है, 6 लोग आराम से ही खाएंगे इतने भाजी में। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक हमने डाल दिया इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से और स्लो आंच पर हम इसको ढक के 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। थोड़ा हम इसको हिला के देख लेंगे। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। आप अपने आवश्यकता अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। वैसे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे तो ही अच्छा रहेगा। हम देखते हैं हमारी भाजी हमारी पक गई है। बटर ऐड करेंगे, उसके बाद धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। क्रीम ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालेंगे। एक मसाला बटर पनीर तैयार है। आप इस ढंग से अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव को स्वाद सेहत और बागवानी पर शेयर करिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।